आज चर्चा करूंगा सेक्शन 498A आईपीसी और नया कानून में सेक्शन 85 पीएनएस अर्थात भारतीय न्याय संहिता 2023 का छूटी केस अगर किसी के ऊपर लॉज होता है और वो केस ट्रायल तक चली जाती है तब कौन कौन सा क्रॉस क्वेश्चंस वाइफ को या उसके जो विटनेस है उसको पूछने पर झूठ सान में निकल आएगा, यही मैं इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कैसे आपको ये क्वेश्चन बीबी के सामने या विटनेस के सामने प्रेजेंट करना है, क्योंकि झूठा केस लॉन्च करने के लिए इंटेंशन को सबसे पहले समझना होगा। क्योंकि बीबी जो है झूठा केस क्यों करती है, कभी कभी ससुराल से दूर, सास ससुर से दूर, एक इंडिपेंडेंट सेपरेटेड एकोमोडेशन बीबी को चाहिए और आप क्या है उसके लिए राजी नहीं है, कभी कभी मेंटेनेंस और फाइल एंड एलिमनी के लिए बीबी का जो डिमांड है वो फुलफिल करने के लिए आप राजी नहीं है, कभी कभी वो डिवोर्स मांगती है और आप संसार करना चाहती है, मतलब आपको डिवोर्स देने के लिए आप राजी नहीं है, तैयार नहीं है, बीवी कई और रिलेशन में है और अभी उसको डिवोर्स चाहिए, आप तब भी उसको मना कर देते हैं या छोटी छोटी जो बात है उसमें झगड़ा होती है, ईगो आ जाती है, तो इसमें भी क्या होता है जो है फॉल्स 498 आईपीसी का या नया जो सेक्शन है सेक्शन 85 पीएनएस का भारतीय न्याय संहिता 2023 के ऊपर केस लॉज होता है और कभी कभी आउट ऑफ द कोर्ट इसका सेटलमेंट हो जाता है, मतलब अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, कभी कभी लक बैड लक होने से ये केस कहां तक पहुंचती है, कोर्ट तक भी पहुंचती है, तब क्या है आपको अगर इससे लड़ने के लिए सही तरीके का प्रिपरेशन नहीं रहेगा, मेंटल जो कंडीशन है ये अगर कंडीशनिंग में नहीं रहेगा, अर्थात आप अगर अच्छी तरीके से प्रिपेयर ना होके कोर्ट जाएंगे तो आपको इस झूठी केस में भी जेल हो सकता है, क्योंकि देखिए झूठ साबित करना पड़ेगा, झूठ बोलने से ही झूठ साबित नहीं होता है, तो इसलिए आपको भी प्रिपरेशन लेके क्वेश्चन को सेटअप करके कोर्ट में जाना पड़ेगा और मैं इस वीडियो में ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके सामने मैं रखूंगा, मतलब मॉडल क्वेश्चन रखूंगा जो करने से आपको केस में जीत होगा और झूठ सामने आ जाएगा। सबसे पहले पूछना है शादी कितना साल हुआ, आंसर आ सकता है 5 साल या 7 साल, शादी के बाद आप घूमने गए थे, हाँ घूमने गए थे, कितने बार घूमने गए थे शादी के बाद से अभी तक, 8-10 बार होगा, क्यों आपके पति आपको ज्यादा घूमने नहीं ले जाते हैं, हाँ साल में एक बार ले जाते हैं या 2 बार ले जाते हैं, कभी कभी आंसर आ सकता है। उसके बाद पूछना है कि डेट बताइए किस किस टाइम आप घूमने गए थे, ये याद नहीं है, ईयर बताइए, ईयर वाइज, हाँ कभी हर साल में ही ले जाते हैं, अच्छा वो भी लेना है, लास्ट कब आप घूमने गए थे, बोले आंसर आ सकता है कि 16 दिसंबर 2023 को हम लोग गोवा घूमने गए थे, अच्छा गोवा जो घूमने गए थे उस टाइम आप क्या पुलिस स्टेशन में आपके पति के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, नहीं, क्या आप वुमेन कमीशन में या आपके जो रिलेटिव्स है मायके में किसी के पास पति के खिलाफ गई थी, नहीं, मतलब आपका टूर अच्छा रहा, हाँ ठीक ठाक ही रहा, मतलब अच्छा रहा, बुरा नहीं रहा, मतलब अच्छा रहा, आपको तो अच्छा लगा ना घूमने के बाद, गोवा कैसा लगा, अच्छा लगा, मतलब गोवा अच्छा लगा और ये जो टूर है वो भी आपको अच्छा लगा, वो बोलेगा हाँ कुछ हद तक सो ही लेना है। और उसके बाद पूछना है क्या आप इन दिनों कभी फिल्म देखने गए थे, हाँ कौन सा फिल्म, 2024 में ही देखा लास्ट फिल्म, कौन सा फिल्म है वो, शाहरुख खान की जवान है, कैसा लगा फिल्म देखने के बाद, अच्छा लगा, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना ये कैजुअली क्वेश्चन करना है, ऐसा नहीं है कि एकदम ऐसा करके जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इसमें क्या होगा उसको भी लगेगा कि आप हर क्वेश्चन एविडेंस के खातिर ले रहे हैं और वो क्या कहेगी या नहीं कहेगी इसमें वो सही तरीके का आंसर नहीं देगी, इसलिए उसको कूल माइंड में आपको क्वेश्चन करना है और शांति से उसको पूछना है, ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ होता है ना ऐसे आप बताइए, ऐसा नहीं, मतलब बात बात करके उससे बातों से उसको निकलना है सच बात, ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम रोक जमा के एकदम बोलना है, ऐसा नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या पूछना है कि आप फिल्म देखने के बाद जब घर आ रही थी उस बीच को कोई पुलिस स्टेशन था, हाँ कितना डिस्टेंस में है आपका घर से पुलिस स्टेशन, 3-4 किलोमीटर होगा शायद, उसमें कोई पुलिस स्टेशन था, हाँ रास्ते के ऊपर था, ना नहीं था रास्ते के ऊपर नहीं था, थोड़ा दूर था, अच्छा जब आप आ रहे थे ऑटो में या बस में या कहीं और व्हीकल से या पर्सनल व्हीकल से तो आपको रस्ते में क्या पुलिस वाला देखे थे आप, पुलिस वाला ड्यूटी कर रहे थे, हाँ कौन सा पुलिस वाला, ट्रैफिक में कुछ लोग थे वहां पर,
क्या उसके पास जाके आप शिकायत दर्ज की थी पति के खिलाफ? नहीं। ठीक है, क्या फिल्म देखने के बाद अपने मम्मी को या आपके कोई जो रिलेटिव है या दोस्त है, कोलीग्स है, उसको फोन करके पति के खिलाफ तुरंत बाद मतलब फिल्म देखने के बाद आप क्या शिकायत दर्ज की थी? आंसर आएगा नहीं। उसके बाद फिर से पूछना, क्या आपके साथ आपके पति का आपके सास ससुर का रिलेशन बहुत अच्छा था शादी के बाद से? नहीं, वो लोग मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करते थे पहले से ही, मतलब जो शुरू के जो 3-4 दिन थे उसके बाद से ही वो लोग मेरे ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए थे सर। ये भी लेना है, इसमें क्रॉस नहीं करना है, लेना है। और इसके बाद फिर से पूछना है, आप कितने दूर तक पढ़ी लिखी है? वो बोलेंगे कि ग्रेजुएट है। अच्छा, ग्रेजुएशन किस साल की थी आप? वो बोलेंगे। उसके बाद फिर से पूछना है, आपका हाई सेकेंडरी जो पास की थी आपने ना? हाँ सर। मैडम बताइए आप कौन सा साल पास किए थे? वो भी लिखना है, लेना है। और उसके बाद फिर से पूछना है कि आप तो 10th जो प्लस पास की थी उसका भी ईयर बताइए, कौन सा साल पास की थी, मतलब आपका पासिंग ईयर बताइए, उसको भी लेना है। उसके बाद फिर से पूछना है कि आपका मैरिज डेट क्या है, लेना है। उसके बाद फिर से पूछना है कि आपका जो ये हुआ ना, आपका जो शादी हुआ उसमें कौन कौन सा रिलेटिव आए थे, उसको भी लिस्ट में लेना है। उसके बाद फिर से पूछना है कि आपके मम्मी पापा भाई सबका डेट ऑफ बर्थ बताइए, लेना है। अगर डेट आता है, मंथ आता है, लेकिन ईयर में कुछ कंफ्यूजन है तो उसको भी बोलना है कि आप जस्ट बर्थडे बताइए, उसको भी लेना है। इसके बाद पूछना है आपने किस डेट पर FIR लॉन्च किया था, किन लोगों के अगेंस्ट FIR लॉन्च किया था, पूरा इंसिडेंट बताइए, डेट टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम मतलब कब क्रुएल्टी शुरू हुआ मतलब अत्याचार शुरू हुआ और किस टाइम तक वो चल रहा था, ये पूरा लेना है। और इसके बाद एग्जैक्ट प्लेस ऑफ ऑकरेंस मतलब कहां घटना घटा था, ये एग्जैक्ट लेना है। घर में तो बोल ही सकता है, घर में ही तो होगा, बाहर में तो नहीं होगा, उसका जो एलिगेशन है बाहर जाके तो एलिगेशन नहीं देगी, उसका जो एलिगेशन प्लेस है वो मैट्रिमोनियल हाउस मतलब ससुराल ही होगा, लेकिन ससुराल में किस कोने पर, मतलब बाथरूम के सान में, बेडरूम पर, किचन पर, ड्राइंग रूम पर, लिविंग रूम पर, छतों में, या उसके जो कोर्टयार्ड है वहां पर, कहां पर, कहां पर ये अत्याचार या इसके जो इंसिडेंट है ये हुआ था, इसको पूरा लेना है, बारीकी से लेना है। इसके बाद उसको पूछना है आप इस बार बताइए जो आरोपी थे वो किस कलर के कपड़े पहने हुए थे, वो क्या कपड़े पहने हुए थे, उसको भी लेना है। और उसके बाद फिर से पूछना है, ये जो कई बार आंसर आता है कि शर्ट पहने हुए थे, पैंट पहने हुए थे, लेकिन शर्ट जो है हाफ शर्ट या फुल शर्ट, वो भी पूछना है, उसमें पॉकेट था या नहीं था, फुल पैंट या हाफ पैंट, ये भी लेना है, या 3/4, ये भी लेना है। उसके बाद जो कपड़े है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको लेना है, मतलब आरोपी जो है उसके कपड़े का डिस्क्रिप्शन लेना है, और उसको क्या करना है, क्रॉस नहीं करना है, उसको नोट करना है। उसके बाद आपको पूछना है वहां पर जब आपके साथ अत्याचार हो रहा था वहां पर कोई विटनेस मतलब जो गवाह है, जो आदमी कोई है, थर्ड पर्सन जो प्रेजेंट था वहां पर? हाँ सर। अगर आंसर आता है हाँ सर, उसमें कौन कौन सा आदमी था उसके नाम लेना है। और उसके बाद पूछना है उन लोग जो हाजिर थे वहां पर, प्रेजेंट थे, उन लोग क्या कपड़े पहने हुए थे, कौन सा कपड़े थे उन लोगों का, कलर का, स्टाइल का, कौन सा कपड़ा था, वो भी पूछना है, उसको भी सेम क्वेश्चन करना है, हाफ पैंट फुल पैंट जो जो मैं डिस्क्रिप्शन में कहा हूं, ये भी इसको फुल डिस्क्रिप्शन लेना है, मतलब विटनेस का भी। इसके बाद पूछना है वो लोग जो थे जब उस टाइम, उन लोगों को पहले का जो इंसिडेंट था आपके ऊपर अत्याचार हुआ था पहले, आप बोले कि हाँ मेरे साथ इतना टाइम से अत्याचार हो रहा था, क्या उन लोगों को पता है? हाँ, उन लोगों को सारी बात पता है, या कभी कभी आंसर आ सकता है नहीं, उन लोगों को पहले का बात मालूम नहीं है शायद, ये भी लेना है। और उसके बाद क्या करना है, ये जो विटनेस है मतलब वो जो गवाह है, उन लोगों को बुलाना है और उन लोगों को भी सेम क्वेश्चन करना है कि इंसिडेंट कब घटा था, डेट प्लेस मतलब कौन सा प्लेस, एग्जैक्ट प्लेस, जैसे बीबी को पूछे ऐसे ही पूछना है, घर में तो इंसिडेंट होता ही है, घर में कहां, घर तो बड़ा होता है ना, उसमें किचन रहता है, बाथरूम रहता है, उसमें ड्राइंग रूम रहता है, डाइनिंग रूम रहता है, उसमें छत रहता है, उसमें जो आंगन होता है वो रहता है, उसमें सब रहता है, लेकिन वही पूछना है
कहां पर हुआ था, मतलब वो भी लेना है। उसके बाद क्या पूछना है, जो विटनेस है विटनेस को फिर से पूछना है, अब बताइए जो आरोपी थे उन लोग क्या कपड़े पहने हुए थे, कौन सा कलर के, कौन से स्टाइल के, हाफ शर्ट फुल शर्ट चूड़ीदार जो होता है उसका जो साड़ी है कौन सा कलर का है, ब्लाउज कौन सा कलर का था, मतलब जो आरोपी है उन लोगों को भी कलर लेना है, और जो वाइफ है जो केस किया है वो भी क्या कपड़े पहने हुए थे वो भी उन लोगों से पूछना है, ठीक है, और बीबी को भी पूछना है आप उस टाइम कौन सा कपड़े पहने हुए थे, ये भी लेना है, ठीक है। कौन सा कपड़े मतलब उसमें डिस्क्रिप्शन पूरा आता है, कलर स्टाइल ये भी आता है, ठीक है। इसके बाद फिर से वो जो विटनेस है उन लोगों को पूछना है कि जब आप गए थे आप लोगों का एक्शन क्या था, मतलब आप क्या कर रहे उस टाइम, वो जो घटना घट रहा था उसमें क्या कर रहे थे। कोई कोई होता है ना वीडियो निकाल लेता है, कोई कोई होता है चुपचाप खड़ा रहता है, कोई कोई होता है रुको 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 कहता है, कोई कोई बीच में चला जाता है झगड़े को रोकने के लिए। आप लोगों का एक्शन क्या था, क्या कर रहे थे हम, ये भी पूछना है, और बीवी को भी ये पूछना है कि ये जो विटनेस था उस टाइम जो घटना घट रहा था उस टाइम उन लोगों का एक्शन क्या था, वो लोग क्या कर रहे थे, ये भी उन लोगों को पूछना है। अगर इसमें झूठ है तो इसमें क्या होगा, बीवी का जो स्टेटमेंट है और जो विटनेस का मतलब जो प्रोसिक्यूशन का जो विटनेस है उन लोगों का जो स्टेटमेंट है इसमें क्या होगा, अगर पत्नी और गवाहों के बयानों में अंतर है तो इसे झूठा और फर्जी माना जाएगा। इसके बाद पूछना है क्या रोज आपके पति आपके ऊपर अत्याचार करते थे, आंसर आएगा हाँ, इससे पहले आपके ऊपर अत्याचार हुआ था, किस टाइम ज्यादा अत्याचार होता था मतलब दिन में या रात में, किस बात पर हस्बैंड के साथ आपका झगड़ा होती थी, किस बात पर आपके हस्बैंड आपको मारता पीटता था, मतलब आप जैसे बोल रही है कि आपको आपके पति मारते थे, आपके इन-लॉज आपके ऊपर अत्याचार करती थी, तो किस बात पर यह होता था ये बताइए। आंसर आएगा कि रात में ही ज्यादा अत्याचार होता है मेरे ऊपर, पति काम से आने के बाद पति मायके से पैसा लाने के लिए मुझे प्रेशराइज करते हैं, मैं रिफ्यूज करता हूं, इस बात पर पति और उनके जो मायके वाले हैं वो सबने आके आके को पीटता है, और ये जो अत्याचार होता है इसके बाद आप क्या कहते हैं, आंसर है मैं रोती हूं, मैं मेरे मम्मी को पापा को दीदी को ये सारी बात कहता हूं, और वो लोग क्या कहते हैं आपको, कहता है कि तू थोड़ा एडजस्ट कर ले देख ले कुछ दिन, ऐसा वो सजेशन मुझे देता है, और ये जो अत्याचार होता था ये एडजस्ट करने वाला बात वो कितने बार कहा था ये भी पूछना है। आंसर आएगा कि याद नहीं है, तब जब जब फोन करता हूं तब भी वो ये बात कहता है, नहीं फिर भी बताइए कितने बार, ये तो होगा ना आप तो रोज कहते थे तो रोज में कितना बार आता है, 10 बार 20 बार 30 बार बताइए, 10-20 बार होगा शायद, ठीक है वो नोट कर रहे। और उसके बाद पूछना है कि आप किस फोन नंबर से किस फोन नंबर में कॉल करके ये आपके मम्मी आपके पापा आपके जो है मायके वाले उनको बताते, मतलब किस फोन नंबर से किस फोन नंबर पर कॉल गया है ये बताइए, ये फोन नंबर बताइए, वो भी नोट करना है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यही करना है कि उसको पूछना है कौन कौन सा डेट पर आप उन लोगों को कॉल करके ये आपका जो ऊपर अत्याचार हुआ था ये बात बताई थी। इससे बाद इसका आंसर आ सकता है कि याद नहीं है, तभी आपको पकड़ना है, आपको कहना है क्यों याद नहीं है, आपको डेट ऑफ बर्थ पता है सब लोगों का, आपको मैरिज एनिवर्सरी पता है, माध्यमिक हाई सेकेंडरी ग्रेजुएशन का पासिंग ईयर आपको मालूम है, कब आप घूमने गए थे आपको मालूम है, और आपके ऊपर अत्याचार हुआ इतना बड़ा इशू, और उसके बाद आपके जो सैड स्टोरी है आपके ऊपर जो अत्याचार हुआ था इसकी जो कहानी है ये आपके मम्मी आपके पापा आपके बहन को कही थी, ये तो एक इंपॉर्टेंट बात है, ये मालूम नहीं है आपको, ये तो हो नहीं सकता, आप अभी झूठ कह रही है या आप इसको छुपाने की कोशिश कर रही है, तो ये आपको पकड़ना है। और अगर वो कोई प्रेशर में आके डेट बता दी है या मंथ बता दी है तो उसको क्या करना है, सीडीआर लेना है, मतलब कॉल डिटेल्स लेना है उन लोगों का, कोर्ट के ऑर्डर से कॉल डिटेल्स लेना है और उसको देखना है कि कितने टाइम बात हुआ था, कब बात हुआ था, रात में या दिन में, मतलब ये सब भी आपको देखना है और उसके ऊपर भी आपको क्रॉस करना है, ठीक है। और ये है कि अगर उसके मम्मी पापा मतलब उसको कॉल किया है अगर सीडीआर में आता है तो उन लोगों को भी क्वेश्चन करना है, तो कैसे अत्याचार हुआ था, कौन डेट पर हुआ था, कौन टाइम पर हुआ था, मतलब उसने बीबी ने
उनके आपके जो बीबी है उसने उसके मम्मी पापा को तो कुछ बताया है, तो इसमें क्या क्या अंतर है उन लोगों के दोनों के स्टेटमेंट में, यही आपको पकड़ना है। अगर दोनों के स्टेटमेंट में ज्यादा अंतर आते हैं तो उसको फर्जी और झूठा मतलब ट्रीट किया जाएगा, यही आपको पकड़ना है। पत्नी को ये क्वेश्चन जरूर करना है कि आपके जो पति है और आपके जो इनलॉज है क्या ये गूंगे हैं? नहीं, ये गूंगे नहीं है, मतलब ये बात कह सकता है। तो इतना बड़ा हंगामा हुआ, मतलब आपका जो एफआईआर है, एफआईआर में इतना बड़ा अत्याचार के बारे में आपने जिक्र किया है, तो इसमें एक क्वेश्चन पूछना है कि आपके पति जब आपके ऊपर अत्याचार कर रहा था तो उस टाइम तो विटनेस प्रेजेंट थे, आपने पहले कहा है, क्या उन लोगों के सामने आपको कोई धमकी दिए थे आपके पति? हाँ, बहुत सारे धमकी दिए थे आपको, 1, 2, 3, 4 करके वो धमकी सब लेना है, मतलब नोट डाउन करना है, और उसके बाद पूछना है क्या कोई गली गलौज दिए थे, गाली दिए थे? बोले हाँ सर, वो भी 1, 2, 3, 4 करके गाली सबको लेना है, मतलब लिखना है, और उसके बाद पूछना है क्या ये सब जो गाली और जो धमकी आपके विटनेस ने सुना है? बोले हाँ सुना है। ठीक है, तो उसके बाद वो जो विटनेस है उन लोगों को भी पूछना है, जब आप वहां पर प्रेजेंट थे आपके सामने कोई धमकी कोई गाली ये जो पति है या आरोपी जो थे इनलॉज, वो क्या ये गाली दिए थे पत्नी को या जो धमकी है ये दिए थे? अगर वो कहते हैं कि मालूम नहीं है तो ये भी नेगेटिव में जाएगा। अगर कहती है कि वो जो विटनेस है वो अगर कहता है कि ये याद नहीं आ रहा है, वो भी नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, अगर कहता है कुछ जो बीबी से अंतर करता है, मतलब डिफर करता है, दोनों के स्टेटमेंट में अंतर है, मतलब एक कहा था बीबी ने कि पति हमको ये धमकी दिया था और विटनेस ने, और एक बात कहा है कि ये धमकी ये गाली, जिसमें बहुत अंतर है मीनिंग में भी और सब में भी, इसमें ये जो स्टेटमेंट है बीबी का उसको फेक एंड फॉल्स ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद बीबी को पूछना है कि आपके पति जब आपको मार रहे थे क्या गुस्से में होकर मार रहे थे या मजाक मजाक में मारा? गुस्से में होकर सीरियसली मार रहे थे, मतलब आपको चोट लगा ना? बोलो हाँ, गंभीर चोट लगा, गंभीर रूप से मैं इंजोर हुआ हुआ था। तो आपने डॉक्टर दिखाया था? नहीं, डॉक्टर नहीं दिखाया। कैसे आपका ट्रीटमेंट, मतलब इतना चोट लगा ना तो कैसे आपको ट्रीटमेंट हुआ? तो मैं बगल का जो मेडिसिन का शॉप था वहां से मेडिसिन खरीदा, खा लिया, और जो ऑयलमेंट है वो लगा लिया घाव के ऊपर, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, फिर पूछना है आपका पति का जो हेल्थ है वो कैसा है? अच्छा है। उम्र कैसा है? 30-40 साल होगा, 35 साल होगा, 35-40 साल, वो ठीक है, इतना मतलब उसका ताकत है? बोले हाँ। बोले सोचिए, एक ताकत इंसान जिसके पास बहुत ताकत है, स्ट्रॉन्ग इंसान पुरुष, वो किसी नारी के ऊपर अत्याचार करता है और एकदम सीरियस होके गुस्से में होकर मारती है, मतलब मारता है किसी को, तो इंजोर नहीं होगा? आपने क्या आपके पति को मारा है? नहीं सर, मैंने हाथ नहीं उठाया, आपने हाथ नहीं उठाया, मतलब एक तरफे का वो अटैक था, वो सर्जिकल स्ट्राइक था, मतलब आपने कुछ नहीं किया, आपके पति ने मतलब ऐसे घुसे मारे थे ना? बोले हाँ, आपने जो लिखा फिस्ट एंड ब्लोस, तो घुसा मारा, तो गुस्से से आपको इतना बड़ा इंजुरी हुआ, आप हॉस्पिटल नहीं गए थे? बोले नहीं। क्या आपके पास ये जो इंजुरी है इसको एस्टेब्लिश करने के लिए कोई एविडेंस है, कोई प्रमाण है? नहीं। इतना बड़ा चोट लगा है, इतना गंभीर चोट, तब भी आप कोई डॉक्टर नहीं दिखाया, आप कोई इंजुरी रिपोर्ट नहीं करवाया, आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं है, लेकिन आपको चोट लगा है, कैसे आप मालूम कर पाएंगे कि आपके साथ यह अत्याचार हुआ था? मतलब इसको एविडेंस में नहीं लिया जाएगा, मतलब चोट या घाव को साबित करने के लिए इंजुरी रिपोर्ट, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, ये सब चाहिए, वो आपके बीबी के पास नहीं है, तो इसको पकड़ना है और इसको झूठा साबित करना है। इसके बाद पूछना है, कभी कभी होता है कि आपके बीबी कहती है कि इंसिडेंट के टाइम कोई नहीं था, मतलब इनलॉज और उसके पति ही उसको मार रहे थे और वो चुपचाप खड़ी थी और वहां पर कोई नहीं था क्योंकि घर बंद था अंदर से और रात के टाइम था, तो इसमें ऐसे एलिगेशन आते हैं, इसमें क्या करना है? ऐसे बीबी को पूछना है, एक बात है कि आपके जो घर है उसके बगल में कोई बच्चा है? बोला हाँ। वो रोता है? बोले हाँ रोता है। कब रोता है? रात को रोता है, दिन को रोता है? अच्छा अच्छा। आपके जो घर का जो बगल में जो नेबर्स का जो घर है, मतलब पड़ोसियों का घर है, वो कितने दूर दूर है? बोले बगल में ही है, सटा हुआ है।
सटा हुआ है, मतलब उन लोगों के घर में झगड़ा होता है कभी? बोले हाँ होता है। अच्छा जी, वो लोग गाना सुनता है कोई? बोले हाँ गाना सुनता है। उन लोगों के घर में टीवी है? बोले हाँ। आपको सुनाई देता है? बोले हाँ। क्या सुनते हैं? बोले उतना मालूम नहीं है, लेकिन टीवी का साउंड आता है, टीवी का साउंड आता है। मतलब वो अगर कोई बात करता है, कोई झगड़ा करता है, बच्चा रोता है, तो आपको सुनाई देता है? बोले हाँ। आपके घर में जो वो जो रहती है, मतलब जो बगल में रहती है पड़ोसी लोग, उन लोगों को कान से सुनाई देता है? मतलब किसी का हियरिंग प्रॉब्लम है आपको मालूम है? बोले नहीं मुझे मालूम नहीं है, सबको तो सुनाई देता है। आपके साथ बात होता है? बोले हाँ। अच्छा, वो लोग आंसर देता है बात का? बोले हाँ। आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है उन लोगों को? बोले नहीं। मतलब प्रॉब्लम मतलब मेंटल कोई प्रॉब्लम है लगता है? बोले नहीं। मतलब हियरिंग प्रॉब्लम भी नहीं है, मेंटल प्रॉब्लम भी नहीं। बोले ना कुछ नहीं है। ठीक। उसके बाद पूछना है कि जो बच्चे का रोने का साउंड, जो टीवी चलाते हैं उसका साउंड, झगड़े का साउंड, आपको कैसे मालूम पड़ता है? बस सुनाई देता है, मतलब आपको सुनाई देता है। आपके घर में अगर झगड़ा होता है तो उन लोगों को सुनाई देगा शायद? बोले हो सकता है। क्यों हो सकता है? आपके घर उसके घर बगल में है, सटा हुआ है, एडजॉइन, तो आपके घर का साउंड उस घर में पहुंचता है, ये तो नेचुरल है, क्योंकि उस घर से साउंड आपके घर में आता है और आपको सुनाई देता है, तो ये भी नेचुरल है, ये भी एकदम साफ है कि आपका घर का जो साउंड है उस घर में जाए। ठीक है। बोले हाँ। आपको क्या करना है? ये लेना है कि उसका जो हाँ हाँ है, हाँ हाँ को लेना है। ठीक है। उसका हाँ को लेके क्या करना है? विटनेस, मतलब जो बगल में है वो लोगों को समन करके बुलाना है। डिफेंस विटनेस में अगर वो आता है DW में तो ठीक है, अगर प्रोसिक्यूशन में, मतलब पुलिस ने अगर ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन लोगों के नाम डाला है, तो उन लोगों को भी कोर्ट में जब आप क्रॉस करेंगे तो आपको पूछना है क्या आपको कोई साउंड उस दिन उस रात को सुनाई दिया? बोला नहीं। आपको क्या मालूम है कि उस दिन उस टाइम उस डेट में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था? अगर वो आंसर देता है नहीं नहीं मालूम है, हम लोग नहीं सुना है, ऐसे अगर आंसर आता है तो ये जो बीबी का एलिगेशन है, अगर बीबी के पास कोई इंजरी रिपोर्ट नहीं है, बीबी अगर बीबी के पास कोई ऐसे कोई सबूत नहीं है जिससे वो साबित कर सके कि उसके ऊपर अत्याचार हुआ था, इसमें केस क्या हो जाएगा? छूट साबित हो जाएगी। इसके बाद बीबी को फिर से पकड़ना है और ये क्वेश्चन जरूर करना। आपने बोले थे कि आपके ऊपर शादी के बाद से ही अत्याचार होता था, तो आपको जब आपके साथ जब अत्याचार होता था आपको कैसा लगता? मतलब मैट्रिमोनियल हाउस, मतलब ससुराल में आपको कैसा लगता था? सिक्योर फील होता था या रिस्की फील होता था? डरते थे आप रहने से? सर मैं डरता था, रिस्की फील हो रहा था। होते थे इतने दिन? ठीक है। तो मैडम एक बात है, इतना रिस्क लेके आप पति के साथ ससुराल से दूर, आपके स्टेट से दूर, मतलब आपके राज्य से दूर, आप क्या किया इतने दूर घूमने गए थे और सालों में 2 बार घूमने जाते थे, इतना रिस्क लेके एक साथ रहते थे ना एक रूम में? हाँ। तो आपके ऊपर जो अत्याचार करते थे, रोज अत्याचार करते थे आपने बोले, तो रोज अत्याचार करते थे, लेकिन ये जो रोज है ये क्या आप जब कूट करने गए थे 8-10 दिन के लिए, इसमें नहीं आता है रोज? ये रोज के बाहर है? आपको क्या लगता है? ये भी उसको पूछना है। उसके बाद पूछना है आपके साथ जब झमेला होता है, झगड़ा होता है, उसके बाद भी आप किसी के साथ फिल्म कहने दिखने जाते हैं? ये भी आपको स्ट्रेंज, ये भी एक ऐसे है कि हम लोग डाउट में आ गए कि आपके साथ अत्याचार रियल में होता है कि नहीं है, क्योंकि जिसके साथ आपका इतना बड़ा इश्यूज है उसके साथ आप फिल्म देखने गए, क्योंकि आपके साथ कोई अत्याचार नहीं होता था। अभी आपको एक बात पूछना है, क्या आपने आपके पति के खिलाफ इतना अत्याचार करते थे तो डाइवोर्स फाइल क्यों नहीं किया? वो कहेगी कि डाइवोर्स फाइल किया लेकिन पति नहीं दे रहे, इसलिए आप 498 आईपीसी का झूठा केस करके कोर्ट में आए हैं कि इस प्रेशर में आपको वो डाइवोर्स दे दे। ये भी उसको पूछना है और इंटेंशन और मोटिवेशन को भी बाहर निकलना है। उसको फिर पूछना है क्या आपने कोई फाइनल एनमनी का डिमांड किया है? बोलेगा हाँ। कितने रुपया का? ये भी लेना है। क्या आप मेंटेनेंस केस किया है पति के ऊपर? हाँ। कितने रुपया का? क्या आपके पति देने के लिए एकदम तैयार है? नहीं, वो केस को खींच रहे, डिफेंस कर रहे, उसको अपील में जा रहे, ये भी लेना है, क्योंकि आप इसलिए आए हैं कि ये केस करके आप पति से आपका जो डिमांड है वो फुलफिल कर ले, कर लेने के लिए ही आप कोर्ट में आए हैं, तो ये भी प्रेशर उनके पास देना है। और ऐसे अगर आप पॉइंट को उठाएंगे और ऐसे आप अगर क्रॉस करेंगे तो आपको इस केस में जीत हो सकता है, क्योंकि देखिए ये जो है
ये मेरा एक सजेशन है, एक सजेस्टिव वीडियो है। इस ये क्वेश्चन करने से ही आपको मुक्ति मिलेगा, एक्विटल मिलेगा, इसका कोई दावा इस वीडियो में मैं नहीं करता, क्योंकि हर केस का अलग एक सिचुएशन रहता है, अलग एक कंडीशन रहता है। तो इस कंडीशन में क्या आपके लिए सबसे लाभदायक होगा, वो एक सीनियर एडवोकेट जो आपके केस लड़ेगा वही डिसाइड करे। लेकिन ये क्या है, एक अवेयरनेस वीडियो है जिससे आपको पहले से ही कुछ बात समझ में आता है, और ये बात आप जब आपके एडवोकेट आपको जब पूछेगा तो आप पहले से ही देने के लिए प्रिपेयर रहेंगे और उसको कहेंगे। और इसमें क्या होगा, आपको केस में बहुत सारे लाभ मिलेगा और प्रिपेयर्डनेस अच्छा होगा तो केस में आपको जीत मिलेगा, अगर केस में सच्चाई है तो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अलग एक टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दूसरे के साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।